हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने दिशा रवि को, जो कि 22 वर्षीय बेंगलुरु की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली पुलिस को 5 दिनों की रिमांड पे सौंपा है, जिसे दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में शनिवार मीन्स 13 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी टूलकिट बनाई गई थी उसकी मेन एडिटर दिशा रवि ही है, जो कि कुछ दिन पहले स्वीडन की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट गेता थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। और ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के माध्यम से दी गई है कि जो हमारा टूलकिट फॉर्मर प्रोटेस्ट के समर्थन में बनाया गया था उसकी मेन एडिटर दिशा रवि ही है, सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले दिशा रवि ही हैं। मीन्स जो मेन साजिश करता है इस टूलकिट मामले में वो बेसिकली दिशा रवि है। तो इसी मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि बाई मिस्टेक या कैसे भी आप कह सकते हैं कि गेता थनबर्ग ने उसको सोशल कर दिया था, मीन सोशल मीडिया पे उसे शेयर कर दिया था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर में ये टूलकिट होता क्या है और टूलकिट मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार क्यों किया गया। हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं टूलकिट होता क्या है। सो दोस्तों, टूलकिट किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया गया एक गूगल डॉक्यूमेंट होता है, एंड उस गूगल डॉक्यूमेंट में किसी भी समस्या को सुलझाने के तरीके बताए जाते हैं कि ये समस्या हम किस किस तरीके से समझा सकते हैं या सुलझा सकते हैं। उसमें इसके रिगार्डिंग सारे एक्शन पॉइंट मेंशन होते हैं, तो उसको बेसिकली हम टूल किट कहते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि हमें कहाँ गैदर होना है, किस टाइप का हैशटैग हमें सोशल मीडिया पर चलाना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकें। जैसे आपने देखा होगा कि जब फॉर्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, चल भी रहा है अभी, तो उसमें 2-3 हैशटैग बहुत पॉपुलर हुए थे, जैसे आई स्टैंड विथ फॉर्मर एंड फॉर्मर प्रोटेस्ट समथिंग लाइक दैट, एंड 2-3 और हैशटैग पैरेलल चल रहे थे। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज़ें उस टूलकिट में मेंशन होती हैं। तो जो ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था सोशल मीडिया पे, उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी। इवन जो 26 जनवरी का हमला हुआ था वो भी उसमें मेंशन था। तो मीन्स ये सब कुछ भी प्लान था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जब वो सोशल मीडिया पे टूलकिट शेयर हुआ तब लोगों को पता चला, और ये हमें मतलब सब गवर्नमेंट को जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा था। इसी किस में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इस टूलकिट की वजह से दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर आक्रोश फैलाया, मीन्स लोगों को एकत्रित किया और किसान समर्थन में लोगों को खड़ा किया। एक्चुअली अब ये फॉर्मर प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। अदरवाइज देखा जाए तो इंडिया एक फ्री कंट्री है, सबको अपना जो भी विचार है वो कहने का हक है। यस, गलती यही है कि आपने टूलकिट बनाया और ये प्री प्लानिंग था जो कि नहीं होना चाहिए था। तो गवर्नमेंट इसी केस में दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। अदरवाइज इसमें देखा जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आंदोलन करने का सबका है कि सभी लोग करते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी हमें आंदोलन से ही मिली थी। अब इसमें कौन गलत है कौन सही है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो टूलकिट है, मेरा मेन एम था कि टूलकिट क्या होता है। तो बेसिकली टूलकिट एक गूगल डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए और किसी भी समस्या को सुलझाने के जो भी एक्शन प्लान होते हैं वो सारी चीज़ें मेंशन होती है, और क्या क्या हम कर सकते हैं उसके लिए वो सारी चीज़ें उसमें गिवन होती है। तो उसी को हम टूलकिट बोलते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाएंगे तो टूलकिट का मतलब कुछ और हो जाता है। तो बेसिकली इसी मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।